मैं कुछ दिन पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा भी ये रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि 12-13 साल की उम्र के बाद बच्चों के हाथ में टैबलेट और फोन्स दें, अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में आईपैड पे गेम लगाकर ना दें। आंखें अभी डेवलप नहीं हुई हैं, आईसाइट के इश्यूज होंगे, आप समझ रहे हैं कि आप उनको फेवर कर रहे हैं लेकिन आप फेवर नहीं कर रहे। तो यार अब जो ऑनलाइन स्कूलिंग है बच्चे सारे जी 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 बैठे हुए उसी उसपे। हाँ तरफ आ रहा था मैं। ऑनलाइन स्कूलिंग एक तरीके से डिस्टेंस से सामने आईपैड रखकर एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, आवर्स एंड आवर्स के लिए नहीं होती। सो मुझे ये फील होता है कि एलसीडी और ये टैबलेट और इन सारी चीज़ों का एक्सपोजर एक ग्रोइंग आई के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है और ग्रोइंग माइंड पे भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि कंटेंट क्या है। बेशक आप मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, बच्चे हम भी थे, हमें भी मैनेज किया जाता था बचपन में, उस वक्त कोई टैबलेट्स और ये एलसीडीज नहीं होती थी। सो बैलेंस कर लें, सिर्फ ये गुजारिश है। क्या बात है। मोहित मिर्जा थैंक यू सो मच ब्रो। इधर आजा भाई। और वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। इट वॉज ग्रेट सीइंग यू आफ्टर सो मेनी ईयर्स। स्टे ब्लेस्ड, कीप शाइनिंग ऑल द टाइम। हम लोग आपको स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे लोग देखते हैं, दे लव यू इन फिल्म्स, ऑन टीवी, और मोहिब को तो हम बहुत दिनों बाद देखेंगे। और आई जस्ट विश के जल्दी जल्दी सिनेमास खुलें और टिच बटन भी हम जल्दी से देखें, और इशरत मेड इन चाइना भी जल्दी से देखेंगे। जनाब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। कीप वॉचिंग टाइम आउट विद एहसन खान।